आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल हलवे की एकदम नई और ऐसी जबरदस्त रेसिपी। बिल्कुल दानेदार, वही कलर और वही कंसिस्टेंसी जो आप शादियों में खाते हैं। शादियों में होता है ना, वो बड़ी सी परात में गरम गरम धुआं निकलता हुआ मूंग दाल का हलवा रखा होता है, घी अलग निकल रहा होता है, धुआं अलग निकल रहा होता है, मजा आ जाता है खाकर। ऐसे जबरदस्त टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। ना दाल को लंबा भिगोना, ना चाशनी, ना मावा, ना घंटों की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टेंट दानेदार मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए ये मैंने ली है पीली वाली मूंग दाल। यहाँ पर ये मैंने एक बोल सेट कर लिया है मेजरमेंट के लिए। आपको कोई वजन ग्राम कुछ जरूरत नहीं है, आप घर की एक कटोरी या एक बड़ा कटोरा सेट कर ले, उसी अनुसार सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको वजन बता देती हूँ, लगभग 250 ग्राम मैंने मूंग दाल ली है। सबसे पहले आप क्या करें, एक लीजिए बोल और बोल में जो हमने अभी मूंग दाल ली ना, उसको हम डाल देंगे। यहाँ पर हम दाल को भिगोएंगे नहीं, सिर्फ आप पानी से दाल को 2-3 बार अच्छे से धो लें, जिससे इसकी जो भी डस्ट वगैरह गंदगी होती है वो पूरी निकल जाए। यहाँ हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो हमें बहुत देर तक इसको भिगोने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2-3 बार धोकर इसका पानी फेंक देते हैं। अब आप लीजिए एक छलनी और 2-3 बार दाल धोने के बाद उसको पूरा छान लीजिए, सारा पानी हम निकाल देंगे। इससे आपकी दाल बिल्कुल साफ हो जाएगी और हमें भिगोने का झंझट भी करना नहीं पड़ेगा। अब कुछ क्षण के बाद सारा पानी देखिए निकल गया ना इसका, जो भी इसमें था। अब आपने एक कोई बड़ा कपड़ा या टॉवल और उस पर पूरी दाल को इस तरह से फैला लें, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा ना वो सारा निकल जाएगा और दाल हमारी परफेक्ट सूख जाएगी। या थोड़ी देर पंखे में रख दें और कुछ ही मिनट में दाल एकदम बढ़िया से सूख गई है। ये देखिए, बस हल्का ही इसको हमें ड्राई करना है। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक भारी तले की कढ़ाई, फ्लेम को कर दीजिए लो, और लो फ्लेम पर जो भी दाल हमने सुखा के रखी सारी दाल आप इस पर डाल दें। बिल्कुल घी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसी प्रकार हम दाल को भूनेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें दाल को एकदम बढ़िया पिंक यानी कि सुनहरे से कलर का भूनना है, कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए, एक बढ़िया सौंधी खुशबू आने लगे। ये एक बहुत ही फास्ट तरीका है मूंग दाल हलवा बनाने का। इससे क्या होगा कि आपका जो समय दाल के पेस्ट को अगर आप भीगे हुए से बनाते, बहुत बहुत घंटों तक उसको लगातार चलाते हुए हाथ में दर्द हो जाता है, इतना उसको भूनना पड़ता है, वो पेस्ट पूरा चिपकने भी लगता है तले में कढ़ाई में, वो सब मेहनत से आप बच जाएंगे। चलाना जरूर है जिससे कि इसका एक एक दाना बिल्कुल सब तरफ से बढ़िया भुन जाए, क्योंकि जितनी बढ़िया आप इसे भून लेंगे उतना ही बढ़िया स्वाद आपके हलवे में आएगा, प्लस जो हलवा है वो दानेदार बनेगा। अभी तो मैं आपको आगे ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगी जो इससे पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होंगी, और उस जरा से डिफरेंस से बहुत बड़ा डिफरेंस आप हलवे में देखेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हल्का सुनहरा रंग हमारी दाल में आ गया है, और जब आप कढ़ाई को ऐसे हिलाएंगे तो आप इसमें सुन पा रहे हैं एक खनक सी, इसका मतलब दाल का मॉइस्चर खत्म हो गया है और हमारी दाल बढ़िया भुन रही है। तो बस इस स्टेज पर जब पूरी तरह से दाल आपकी भुनी हुई ना हो, हल्का हल्का गुलाबी रंग आ गया हो, इस स्टेज पर आती है एक सीक्रेट टिप। यहां मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सूजी। इससे पहले वाला जो इंस्टेंट मूंग दाल का हलवे की रेसिपी मैंने आज से 1 साल पहले आपके साथ शेयर की थी, वहां भी मैं सीक्रेट टिप ये वाली आपको बताई थी कि हलवाई सूजी और बेसन जरूर डालते हैं, लेकिन वहां मैंने इसे किसी और तरह यूज किया था। आज के हलवे में जो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, सूजी को आप लो फ्लेम पर जब दाल आधी भुन जाए यही डालिए, साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन। अब जो टेक्सचर आएगा आपके हलवे में एकदम जबरदस्त दानेदार आएगा। फायदा क्या हुआ यहाँ सूजी और बेसन भूनने से, जब आप दाल को पीसेंगे इसी के साथ ये मर्ज हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम मोटी सूजी यूज कर लेते हैं और बाद में जब हम दाल के साथ उसको भूनते हैं और फिर बनाते हैं हलवा, तो वो कभी कभी दाने से दिखाई देते हैं, तो फीलिंग आती है जैसे सूजी का हलवा बना दिया हो। लेकिन जब आप इसको इस तरह से यही भून लेंगे और फिर दाल के साथ इसे पीसेंगे, पूरी दाल के साथ ये बढ़िया से पिस जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें सूजी और बेसन डाला है। सूजी और बेसन एक ऐसी चीज है जो हमारे हलवे का स्वाद बढ़ाएंगे, उसको जबरदस्त दानेदार बनाएंगे और गाढ़ापन देंगे। आप इसको करके देखिएगा और फिर आप अपने हलवे में डिफरेंस देखिएगा। और आप देख सकते हैं कि दाल भी बिल्कुल बढ़िया भुन गई है, अच्छा सा कलर आ गया है, और सूजी और बेसन भी साथ ही इसके भुन गए हैं, तो हमारा काम हो जाएगा आसान। और इस तरह से सूजी बेसन को भी साथ ही भुनने से एक फायदा और हो गया, आपका ये इंस्टेंट मिक्स जैसा तैयार हो जाएगा। गैस को बंद करेंगे और पूरे मिक्स को एक प्लेट पर निकाल लेंगे।
अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और दाल हमारी ठंडी हो गई है। ग्राइंडिंग जार में पूरी दाल सूजी बेसन का जो मिक्स हमने तैयार किया है उसको आप डाल दें। अब हमें यहाँ दाल को एकदम दरदरा पीसना है, यानी कि छूने पर दाना दाना फील होना चाहिए, ऐसा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। दूसरी चीज, अगर आप इस तरीके का इंस्टेंट मिक्स बनाकर रख रहे हैं तो यहीं पर आप आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, तो आपका प्रीमिक्स जैसा तैयार हो जाएगा। फिर जब दिल जाए तब बनाइए मूंग दाल का हलवा फटाफट, ये सारा टाइम आपका पूरा बच जाएगा। तो मैं इसको पीस लेती हूँ दरदरा सा, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का, देख रहे हैं ना, हल्का दाना दाना सा दिख रहा है। ऐसा पीसने के लिए सबसे जरूरी टिप, पल्स पर चलाएं मिक्सी को, थोड़ा चलाइए रुकिए, थोड़ा चलाइए रुकिए, बस आपका मिनटों में इस तरह पाउडर तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए मूंग दाल हलवे के लिए आपका प्री मिक्स है बिल्कुल रेडी। बस इस तरह से एयर टाइट बॉक्स में भर करके फ्रिज में उठा के रख दीजिए, ये 6 महीने भी खराब नहीं होगा। फिर जब दिल चाहे तुरंत से अपना हलवा बनाइए। तो चलिए अब हम बनाते हैं फटाफट से हलवा। सबसे पहले गैस पर आप रखिए एक कढ़ाई, थोड़ी भारी तले की कढ़ाई लीजिए जिससे आपका हलवा चिपके नहीं। अब इसमें हम डालेंगे लो फ्लेम पर 2 चम्मच घी, आप इसे घी, वनस्पति घी किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन मूंग दाल के हलवे की जो असली रेसिपी है, असली स्वाद है, वो देसी घी से ही है। अब लो फ्लेम पर मैं यहाँ ले रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आप नहीं लाइक करें तो इस हलवे को प्लेन भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, थोड़े से लिए 10 के करीब काजू, 10 बादाम और थोड़े से पिस्ता, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इस स्टेज पर अब हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इससे जो हमारा हलवा है उसमें स्वाद बहुत बढ़िया आता है। मिनटों में ही ड्राई फ्रूट्स भी हमारे हल्के से गुलाबी हो गए हैं, बहुत ज्यादा इसको हमें नहीं फ्राई करना है, तो बस इन सब को हम निकाल लेंगे। अब आप फ्लेम को लो कर दें और उसी घी में जो भी दाल का पाउडर हमने तैयार करके रखा ना, दाल सूजी और बेसन का, सारा आप लो फ्लेम पर इसमें डाल दें और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम बढ़िया से दाल को भूनेंगे। सबसे जरूरी पॉइंट, बढ़िया मूंग दाल हलवे के लिए जितनी बढ़िया आप लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे उतना ही सौंधा और स्वादिष्ट आपके हलवे में स्वाद आएगा और उसका दाना दाना खिलकर आएगा। यानी कि अगर इस तरह प्रीमिक्स बना हुआ पहले से तैयार है तो आपको यहाँ से ये प्रोसीजर फॉलो करते जाना है। लो फ्लेम पर थोड़ी देर इसी तरह भूनेंगे। अब इसमें घी अब्सॉर्ब हो गया है, तो बस इस स्टेज पर मेरी नेक्स्ट जरूरी टिप, जो हलवाई भी करते हैं, घी आप ऐसे ना डालें, घी को गरम करके पिघला लें। ये मैंने गरम घी लिया है, बहुत तेज गरम नहीं पर गरम घी है। गरम घी 2 चम्मच आप इस पर डालें दाल पर, इससे क्या होगा जो दाल को भुनने में समय लगेगा वो कम हो जाएगा और गरम घी डालने से दाल का दाना दाना और भी फूलेगा, यही हलवाई करते हैं। तो इस तरह हम भुनेंगे बढ़िया कलर आने तक। अब भाई ये जो मूंग दाल का हलवा होता है इसमें टोटल घी का खेल है, हलवाई तो भाई भर भर के घी डालते हैं, मैं तो फिर भी कम घी डाल रही हूँ। बढ़िया से लो फ्लेम पर ही भुनाई करनी है, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई मत करिएगा क्योंकि मूंग दाल बहुत जल्दी जल जाती है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि दाल घी छोड़ने लगेगी। झटपट से एक काम और कर लेते हैं और ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आप लीजिए एक चाय वाला पैन और चाय वाले पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 लीटर दूध, सिंपल रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है मैंने, पहले से उबला हुआ दूध है। दूध आप 1/2 लीटर मान के चलिए, लगभग 4 कटोरी दूध होगा। और दूध में यहाँ मैं डाल रही हूँ अच्छी कलर और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी केसर, पूरी तरह ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डालिए, वरना यहाँ पर आप चाहे तो अच्छे कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज फूड कलर जरा सा डाल दीजिए तो वही कलर आ जाएगा बिल्कुल शादियों वाले हलवे का। सबसे सीक्रेट टिप एक बढ़िया दानेदार हलवे के लिए, दूध आप बिल्कुल भी इसी तरह मत डालिए ठंडा, आपको गर्म दूध डालना है हलवे में। तो लीजिए बगल वाली गैस पर चढ़ा दिया मैंने दूध और दूध को हम बढ़िया से गर्म करेंगे, एक उबाल आने देंगे जिससे कि जो केसर डालिए उसका बढ़िया सा रंग दूध में मर्ज हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि दाल ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब आप इस तरह हटा रहे हैं तो नीचे आपको घी ही दिख रहा होगा और बढ़िया सा इसमें गोल्डन, देखिए कलर कितना सुंदर आया है। और उधर हमारा दूध भी बॉईल हो गया है, बढ़िया केसर ने कलर छोड़ दिया है दूध में, तो गैस को ऑफ कर देंगे यहाँ पर। इस स्टेज पर हम लेते हैं हमारा गर्म दूध और लो फ्लेम पर धीरे धीरे गर्म दूध इसमें डाल देंगे, सारा एक साथ डालते जाइए और दूसरे हाथ से आप इसे मिक्स करते जाइए, एकदम से बबल उठेंगे इसमें, तो थोड़ा ध्यान से फ्लेम बिल्कुल लो रखिए। हम पूरा इसको दूध से बना रहे हैं क्योंकि हम मावा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, तो आप दूध से बनाएंगे तो काफी रिच बनेगा हमारा हलवा, एकदम हलवाइयों स्टाइल। वैसे आप यहाँ पर पूरी तरह पानी से भी इसको बना सकते हैं। और ये देखिए जैसे ही आपने गरम दूध इसमें डाला तुरंत दाल का दाना दाना फूल गया, आपका पूरा समय बच गया दूध के साथ दाल को पकाने का। और इस तरह से गरम दूध डालने से दाल तो जल्दी फूलती ही है, वो जो एक शिकायत होती है ना कि दाल प्रॉपर फूली नहीं, हल्की कच्ची सी लग रही है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। तुरंत ही आप यहाँ पर डालिए 2 बड़े चम्मच घी
गरम घी डालिए इस तरह से और बढ़िया से घी के साथ इसको थोड़ा और पकाइए। अभी आपको इसका कलर बहुत हल्का सा लग रहा होगा, जब हमने शुरू में लिया था तो कलर हल्का था, फिर डार्क हुआ, अब फिर हल्का हो गया। अभी आप देखिएगा कैसे इसका जबरदस्त कलर चेंज होता है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक बोल चीनी। जिस बोल से आप डाल लें उसी बोल से आप चीनी लें, तो चीनी भी बराबर मात्रा में इसमें हम डाल देंगे। अगर आप कम चीनी लाइक करते हैं थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं तो सवा बाउल के करीब भी चीनी इसमें डाली जा सकती है। जब आप किसी भी चीज में चीनी डालते हैं ना हलवे वगैरह में, तुरंत ही हलवा आपको पतला लगने लगता है। और ये देखिए बढ़िया से चीनी मैंने इसमें मिक्स कर दी, धीरे धीरे करके चीनी मेल्ट होती जा रही है। इस तरह लगातार चलाएं, फ्लेम को लो रखें। यहाँ आपको करनी है बढ़िया से हलवे की बुनाई चीनी घी वगैरह के साथ, और इस तरह से चलाते हुए इसको पकाएं, साइड से ज्यादा चिपके नहीं। तो एक चम्मच गरम घी आप और डाल दें। घी में कंजूसाई मत कीजिएगा, अब इतना बढ़िया हलवा बना रहे हैं, साल में कभी कभी बनाया जाता है तो थोड़ा घी डालना तो बनता है। बस 1 से 2 मिनट के लिए लगाइए इस तरह से लिड, जिससे बढ़िया से हलवा पक जाए और बढ़िया से घी रिलीज हो जाए। तो चलिए 2 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। वाओ, ये है असली हलवा। ये देखिए कैसे घी छोड़ रहा है हलवा, असली हलवाई वाले हलवे की पहचान। मुश्किल से आपको इसमें सिर्फ 12-13 मिनट का समय लगेगा हलवे को बनाने के लिए। और मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये कढ़ाई को छोड़ रहा है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और साथ ही इसमें जाएंगे हमारे फ्राइड ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़े से अभी यहाँ डाल देते हैं, थोड़े हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, बाद में सजाएंगे ना अपने हलवे को सर्व करते वक्त। और बढ़िया से कर देते हैं सब चीजों को मिक्स, और ये देखिए परफेक्ट हलवा तैयार हुआ है हमारा मूंग दाल का, बना है ना एकदम दानेदार। ये है असली टिप्स, जब आप बनाएंगे तो आप मुझे खुद लिखेंगे पारुल हलवा बहुत अच्छा बना। तो मैं यहाँ करने वाली हूँ सर्व इसको बिल्कुल हलवाई स्टाइल कढ़ाई में, जैसे शादी में होती ना। अब मेरे पास तो छोटी कढ़ाई है, तो चलिए इसी में सर्व कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। दाना दाना परफेक्ट कलर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी और परफेक्ट टेक्सचर। फ्रेंड्स यकीन मानिए आप जब इस तरह से हलवा बनाएंगे ना सारी बाकी रेसिपी भूल जाएंगे। ये देख रहे हैं ना इसमें ये जो घी छोड़ रहा है, ये है असली हलवे की पहचान कि ये सही पका हुआ है। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा दानेदार शादियों वाला हलवाई स्टाइल मूंग दाल हलवा। देखने से ही आ रही है ना वही रौनक जो आप शादियों में खाते हैं मूंग दाल का हलवा। इतना भुना हुआ है कि इस तरह बना करके आप इसे पूरे 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा क्योंकि हमने खूब भून कर बनाया है, एकदम बढ़िया देसी घी में बना हुआ है मेरी सारी टिप्स के साथ। और मुझे अपने प्यार प्यारे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये स्पेशल मूंग दाल का हलवा इंस्टेंट बनने वाला आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।